स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बुक हॉर्नबिल पोयम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। इस पोयम में पोएट ने जो लिटरेरी डिवाइस यूज की है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह बोलती हैं। और इस पोएम में, पूरी पोएम में हमें यह देखने को मिलेगा कि पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का कितना सुंदर तरह से यूज किया है। जो रेन है वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह बोल रही है यहाँ पर। एंड हु आर थू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। यहाँ पर क्या है? आर्ट। आर्ट क्या है? ये है जो पुरानी इंग्लिश है उसमें ये आर्ट आर को बोलते हैं, ARER को। एंड द मींस यू। और ये जो आई है ये पोएट है। पोएट क्या कह रहे हैं कि मैंने बोला एंड हु आर द कि तुम कौन हो टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। किससे पूछा? जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी उससे पोएट ने पूछा हु आर द तुम कौन हो। Which strange to tell gave me an answer. और एक अजीब सा लगा मुझे कि उसने मुझे जवाब दिया, आंसर दिया as here translated. और जो यहाँ पर पोएट ने अपनी भाषा में ट्रांसलेट भी किया है कि बरसात ने, शावर ने, रेन शावर ने क्या जवाब दिया। I am the poem of earth, said the voice of the rain. रेन ने रेन की आवाज में क्या आवाज आई? I am the poem of the earth. रेन ने क्या जवाब दिया पोएट को कि मैं जमीन की कविता हूँ, धरती की पोयम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और क्या कहा कि मैं इटर्नल हूँ, मैं अनएंडिंग हूँ, शाश्वत हूँ, मेरा कभी भी अंत नहीं होता है। आई राइज इम्पल्पेबल और मैं अपने आप ही पैदा होती हूँ। इम्पल्पेबल मतलब मुझे कोई टच नहीं कर सकता। आउट ऑफ द लैंड कहाँ से उत्पन्न होती हूँ मैं? धरती में से उत्पन्न होती हूँ। धरती से क्या होता है? पानी समुद्र में जाता है और समुद्र से इवेपोरेट होकर भाप बनकर ऊपर चला जाता है। और इस तरह से क्या है? बरसात का जन्म होता है, रेन का, वाटर का जन्म होता है। एंड द बॉटमलेस सी और कहाँ से? बॉटमलेस सी से मैं जो है आउट बाहर आती हूँ, उत्पन्न होती हूँ और मैं अनएंडिंग हूँ, मेरा एंड नहीं होता। अपवर्ड टू हेवन और कहाँ जाती हूँ? अपवर्ड टू हेवन hence vaguely formed altogether changed and yet the same I descend to lave the draughts atomies dust layers of the globe and all that in them without me were seeds only latent unborn. So kya keh rahi hai rain ki main upar jaati hu heaven mein sky mein aasman mein jaati hu. Hence vaguely formed, मतलब धुंधले रूप में जब मेरे फॉर्म होता है, मेरा जब जन्म होता है, मतलब जब मैं ऊपर जा रही होती हूँ तो बिल्कुल धुंधली होती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं किस तरह से भाप बनकर ऊपर चली जाती हूँ। Altogether changed and yet the same, और बस सिर्फ चेंज होता है, मेरा क्या चेंज होता है? सिर्फ रूप ही परिवर्तित होता है। भाप के रूप में वहाँ जाती हूँ और बादल बनकर वहाँ रह जाती हूँ, है ना, आसमान में, हेवन में, स्काई में। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स और मैं नीचे आती हूँ, किस तरह से नीचे आती हूँ? कम डाउन, आई केम डाउन, कब से आती हूँ मैं नीचे? आई टू लीव द ड्रॉट्स, धो देती हूँ मैं सूखे को, वॉश कर देती हूँ। एटोमीज कौन से सूखे? छोटे छोटे जो भी सूखे हुए पार्टिकल्स होते हैं उन सबको, डस्ट लेयर्स को, मिट्टी की जो परतें होती हैं उनको भी, ऑफ द ग्लोब मतलब धरती पर जो भी सूखा उसे नजर आता है बारिश को, वो उन सबको धो देती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। और उनमें क्या क्या होता है ना, जो मेरे बिना जो बीज होते हैं वो हिडन पड़े रहते हैं, लेटेंट पड़े रहते हैं, अनबोर्न पड़े रहते हैं, उनका जन्म नहीं हो सकता मेरे बिना, है ना। कि मैं जाती हूँ उनको पानी देती हूँ तभी तो उनका जन्म होता है, बीज जो है पौधे बनते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और हमेशा मैं क्या करती हूँ? दिन रात गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मतलब जहाँ से मेरा जन्म होता है। कहाँ से जन्म होता है? समुद्र से जन्म होता है और उसी से बार बार उसका ओरिजिन होता रहता है ना, दिन रात वहीं जाती रहती है बार बार। जैसे समुद्र से जन्म हुआ,
भाप बनी, ऊपर गई, ऊपर से फिर बादल बने, बारिश बनकर नीचे बरसी, फिर वापस जमीन में घुस गया पानी, जमीन से फिर कुछ पानी समुद्र में चला गया, फिर इनका ओरिजिन होता रहता है बारिश का पानी का। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट फॉर सॉन्ग इशिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैकेज और अनरैकेज ड्यूली विद लव रिटर्न्स। और क्या कह रही है कि दिन रात चलती रहती हूँ इसी तरह से, है ना, और प्योर बनाती रहती हूँ, ब्यूटीफाई करती रहती हूँ प्रकृति को फॉर सॉन्ग। और पोएट क्या करते हैं, रेन की तुलना अपने सॉन्ग से करते हैं। फॉर सॉन्ग इशिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कहाँ से पैदा होता है, एक पोएट के दिल से, पोएट की आत्मा से, पोएट की आवाज़ से उत्पन्न होता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और जब वो सभी को फुलफिलमेंट कर देता है, संतुष्टि प्रदान करता है, जैसे कोई भी सॉन्ग है, पोएट है, कोई कविता गाता है, तो उसे क्या है कि हम लोग बहुत ही आत्मा को शांत करने के लिए, तृप्त करने के लिए सुनते हैं। यानी कि पोएट की जो पोएम है, कविता है, सॉन्ग है, वो क्या है कि इधर उधर सब जगह जाता रहता है, वॉन्डरिंग करता रहता है ना। और पोएट्स खुद भी जब जाते हैं कहीं कंसर्ट में और कहीं भी, हमें जब सुनाते हैं, हम लोग उसे सुनते हैं, रैकेट और अनरैकेट, मतलब हम इसकी परवाह करें या नहीं करें, वेदर वी केयर फॉर और नॉट केयर फॉर, है ना, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। लेकिन फिर भी अगर हम उससे खुश हो रहे हैं, तो वो पोएट जो है वो भी इस चीज़ से खुश हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें इसके बदले में हमें खुशी मिल रही है, तो उन्हें इसके बदले में प्यार मिल रहा है। और इसी तरह से रेन जो है, रेन की तुलना पोएट ने अपनी पोएम से की है, कि जो हमारे सॉन्ग होते हैं, पोएम्स होती है, वो भी अगर दूसरों को खुशी प्रदान कर रही है, तो यही हमारे लिए जो है हमारा प्राइज़ है। थैंक यू।